हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारी पिछली वीडियो में मेरी कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक सेल के दौरान ऑफर दिया गया है डिस्काउंट, कितना? 10%। जो मार्क प्राइस है, जो एमपी है उसका, उस पर हरेक आर्टिकल, जो हरेक आइटम है उसके एमपी पर 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। व्हाट शुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क डेट ₹1450। एक कस्टमर ने एक पेयर खरीदा किसका? जींस का। कितने रुपए में है उसका मार्क प्राइस? 1450। एंड टू शर्ट, और दो शर्ट खरीदी मार्क डेट ₹850 ईच, और हर एक का प्राइस कितना? 850। तो हमें ये बताना है कि उस कस्टमर को वो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। देखो, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स, हर एक आइटम पे कितना डिस्काउंट दे रखा है? 10%। एम पी ऑफ ए पेयर ऑफ जींस, एक जींस है हमारे पास जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है? 1450। एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ए शर्ट, एक शर्ट का कितना है? 850 दे रखा है। डिस्काउंट ऑन ए पेयर ऑफ जींस, जींस पर कितना डिस्काउंट आएगा? 1000 रेट मल्टीप्लाई एम पी बाई 100 लिखेंगे। अब रेट हमारे पास है रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का जो हमारे पास रेट है, डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 10% मल्टीप्लाई मार्क प्राइस कितना है? 1450 बाई 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ज़ीरो, कितना आ जाएगा? 145। तो जींस पर कितना डिस्काउंट है? 145। तो जींस का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एस पी ऑफ ए पेयर ऑफ जींस 1450 माइनस 145 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1305। तो जींस का एस पी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम दो शर्ट का निकालेंगे, एम पी ऑफ टू शर्ट्स, दो शर्ट है हमारे पास जिनका एम पी कितना है? 2 मल्टीप्लाई 850, कितना आ जाएगा? 1700। ये हमारे पास आ गया दो शर्ट्स का डिस्काउंट ऑन टू शर्ट। दो शर्ट पे डिस्काउंट कितना होगा? 10% है डिस्काउंट, तो क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1700 बाई 100। 20 कैंसिल हो जाएगी, 17 और 10 के मल्टीप्लाई 170 हो जाएगा। तो एस पी ऑफ टू शर्ट, दोनों शर्ट पे कितना हो गया हमारे पास एस पी? ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया, ये उनका सेलिंग प्राइस कॉस्ट मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 1700 माइनस 170 ये आएगा 1530। तो दोनों का हमारे पास कितने पे करने पड़ेंगे? सो द कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? जींस के लिए कितना है? 1305 प्लस शर्ट के लिए है 1530, दोनों को प्लस कर देंगे, 2835 रुपीज़ पे करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने अपनी दो बफेलोज को सोल कर दिया, बेच दिया 20,000 ईच, हर एक को 20,000 रुपीज़ में। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक को उस पर गेन हुआ 5% का। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, दूसरी पर उसको 10% लॉस हो गया। फाइंड इज ओवरऑल गेन ऑन लॉस, तो ओवरऑल गेन किया या लॉस हुआ ये हमें निकालना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एस पी ऑफ ईच बफेलो, हर एक बफेलो है उसका एस पी कितना है? 20,000 है। तो एस पी ऑफ टू बफेलो, दो बफेलो हैं दोनों का एस पी कितना आ जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई टू कर देंगे, कितना आया? 40,000। वन इज सोल्ड एट 5% गेन, एक को हमने 5% गेन पर सोल्ड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? देखो, लेट सी पी इज 100, अगर हमारे पास सी पी 100 है तो एस पी कितना आ जाएगा? गेन किया है तो प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 5 कितना आया? 105। व्हेन सी पी इज, ये हमने लेके चल पड़े, उसके बाद हमारे पास देखो इन्होंने ये दे रखा है कि एस पी तो हमारे पास दोनों का है, सी पी हमें निकालना है, तो एस पी हमारे पास कितना है? 105। देन सी पी कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा, और एस पी अगर हमारे पास 1 है तो सी पी कितना होगा? 100 बाई 105। और एस पी सेलिंग प्राइस दोनों का कितना दे रखा है? 20,000। देन सी पी क्या आ जाएगा? 100 बाई 105 मल्टीप्लाई 20,000।
कैंसिल कर देंगे 5 से 20 पर और 5 से 21। अब ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 क्या आ जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 21। इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 19,047.62 रुपीज़। दूसरी हमारे पास क्या है, 10% लॉस पर है, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो अनदर बफेलो इज सोल्ड एट 10% लॉस, दूसरी जो है वो 10% लॉस पर बेची है, तो क्या आएगा एसपी, जो सीपी हमारे पास वो 100 था, तो एसपी कितना हो गया उसका 100 माइनस 10 90। हमें तो एसपी दे रखा है तो एसपी से निकाल लेंगे, देखो एसपी हमारे पास 90 है तो सीपी कितना होगा 100, एसपी अगर हमारे पास 1 है तो सीपी क्या आएगा 100 बाई 90, व्हेन एसपी इज 20,000 देन सीपी क्या आएगा 100 बाई 90 मल्टीप्लाई 20,000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2000 की और 100 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 2 लाख आ जाएगी बाई 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22,222.22। ये हमारे पास आ जाएगा उसका सीपी। अब देखो दोनों का सीपी निकाल लिया, दोनों का एसपी हमारे पास है 40,000 और दोनों का सीपी कितना आया, एक का सीपी कितना है 19,447.62 प्लस दूसरी का कितना है 22,222.22, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 41,269.84। अब देखो टोटल सीपी, कॉस्ट प्राइस तो दोनों का ये है लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है 40,000। अब सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, खरीद ज़्यादा में रखी है, बेच कम में रखी है, तो क्या होगा लॉस होगा। सो हियर इट इज़ लॉस, तो लॉस हो गया। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, सीपी हमारे पास कितना है 41,269.84 माइनस कर देंगे एसपी, एसपी कितना है 40,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1,269.84। ये हमारे पास क्या आया इसका लॉस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ ए टी वी इज़ ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। एक टीवी का प्राइस है 13,000 और उस पर सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर विनोद उसको खरीद रहा है तो उसको 12% सेल्स टैक्स देने के बाद कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। देखो सीपी हमारे पास कितना है 13,000 और सेल्स टैक्स कितना है, एसटी रेट कितना है 12% है, तो सीपी अगर हमारे पास 100 है तो सेल्स टैक्स परचेजेस कितना आ जाएगा, तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी तो हमारे पास 100 है, सेल्स टैक्स कितना लगेगा 12%, तो 12 उसका टैक्स देना पड़ेगा, 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112 हो गया उसका एसपी। अब लिखेंगे व्हेन सीपी इज 100 देन एसपी 112, when CP is 1 then SP 112 by 100, when CP is 13,000 then SP 112 by 100 multiply 13,000, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 130 और 112 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 14,560, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 14,560 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण को एक स्केट्स का पेयर खरीदना है और उसके लिए डिस्काउंट दे रखा है 20%। इफ़ द अमाउंट ही पे इज ₹1600, अगर हमें अमाउंट निकालना है ही पे, अगर उसने पे किया है 1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस पे हमारे पास क्या होता है डिस्काउंट, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने रुपए पे किए हैं 1600, तो ये बताना है कि मार्क प्राइस क्या था। एसपी हमारे पास कितना है 1600, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 20%, तो देखो अगर हमारे पास मार्क प्राइस 100 है तो एसपी, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 में से 20 माइनस कर देंगे क्योंकि डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 गया 80, तो कितने रुपए में बेच दिया 80 रुपीज़ में। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, जब हमारे पास एसपी 80 है तो मार्क प्राइस कितना है 100, व्हेन एसपी इज 1 देन एमपी हमारे पास क्या आएगा 100 बाई 80, व्हेन एसपी इज 1600 देन एमपी हमारे पास 100 बाई 80 मल्टीप्लाई वो 1600, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल हो जाएगा 20 और 100 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका मार्क प्राइस 2000 था, जिस पर 20% डिस्काउंट होने के बाद कितने रुपए में सेल किया, वो 1600 रुपीज़ में सेल किया।
नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेज्ड ए हेयर ड्राई, मैंने एक हेयर ड्राई परचेज किया 4,500 में एक हेयर ड्रायर परचेज किया इंक्लूडिंग वेट 8%, जिसके अंदर 8% वेट इंक्लूड है, VAT वेट, वेट हमारे पास होता है जैसे टैक्स होता है वही। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, बिना वेट के अगर हमने वेट को ऐड नहीं किया है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, वेट जो वेट है वो ऐड होने से पहले उसका प्राइस क्या था, ये हमें बताना है। वेट हमारे पास होता है एक तरह का टैक्स होता है जो हमें भरना पड़ता है। देखो CP हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस है उसका 5,400, रेट ऑफ वेट, वेट की रेट उसकी कितनी है 8% उसकी, और वेट वेट की रेट है, तो लेट CP इज 100, अगर हमारे पास CP 100 है देन प्राइस इंक्लूडिंग वेट है, तो वेट को इंक्लूड करने के बाद प्राइस कितना आ जाएगा, 100 + 8 = 108 आ गया, और इन्होंने तो ऐड करके बता रखा है 8%। तो देखो व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वेट इज 108, अगर हम प्राइस में वेट को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 108 है, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा तो उसका 100, अगर हमारे पास व्हेन प्राइस इज इंक्लूडिंग 1 देन ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 100/108 आ जाएगा, व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग 5,400 है तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 100/108 × 5,400। अब देखो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितने पे कैंसिल होगा 5 + 0 = 108, 5 + 540 + 0 = 150 की जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा 5,000। तो जब अगर हमारे पास उसका प्राइस पूछ ले विदाउट एड वेट ऐड किए, वेट ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या था 5,000, और जब उसके अंदर हमने 8% वेट 8% हमने टैक्स लगा दिया तो उसका कितना टैक्स हो गया, टैक्स ऐड होने के बाद हो गया 5,400, और पहले कितना था 5,000, तो हमारे पास कितना टैक्स लग गया उसमें 400 उसका टैक्स हो गया, क्या वेट टैक्स हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यहीं तक हमारी एक्सरसाइज थी, ख़त्म हो गई। ओके, थैंक यू।